लॉन्ग रन प्लानिंग टू जब हमने लॉन्ग रन प्लानिंग कर्व की बात की तो तो हमने वहां कि लॉन्ग रन प्लानिंग जब हम कहते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग इसके पीछे क्या होता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट रिटर्न टू स्केल यू शेप ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज बिकॉज ऑफ Different returns to scale under which a farmer is making production. Returns to scale. Kya hai? Returns to scale is basically an association between output and input. Long run memory assumption kya hai all inputs are variable inputs. There is no fixed factor of production. If, all in, if there is proportional increase in all inputs, there is some proportional impact on. आउटपुट दिस प्रपोर्शनल एसोसिएशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड एज रिटर्न टू स्केल एंड दिस लॉन्गर एंड एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेस वेन फार्मर ऑपरेट अंडर इनक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और ये जो आपकी लॉन्गर एंड एवरेज कॉस्ट राइज करना शुरू हो गई है यह होगा बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और जिस पॉइंट पे आपकी यह कह लें रिलेटिवली फ्रैटर सी है तो वहां पे हम कह सकते हैं कि फार्मर इज ऑपरेटिंग अंडर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जब आप इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात करोगे तो वहां पे हम बेसिकली क्या कहते हैं कि इफ देयर इज इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर देन द प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन इनपुट क्या जी अगर इनपुट हम ट्वेंटी इंक्रीज कर दें और आउटपुट में मोर देन ट्वेंटी हो जाए तब हम क्या कहेंगे फार्मर इज ऑपरेटिंग अंडर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जब हम बात करेंगे अबाउट डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल तो वहां पे क्या होगा कि प्रोपोर्शनल इंक्रीज़ इन इनपुट्स आर ग्रेटर द प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट जी जब आपके पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एक इन आप एक राइजिंग ट्रेंड भी था बाद में वो वो कहां पे होगा व्हेन फार्मर इज ऑपरेटिंग अंडर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट लेकिन आउटपुट में इंक्रीज कितना आया लेस देन कि ये जो आपके पास डिक्रीज लॉन्गर रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है इज़ बिकॉज़ ऑफ टू स्केल अब अगर इसी चीज को मैं डिस्कस करूं स्पेशली विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल आउटपुट तो एग्रीकल्चर केसेस में क्या होता है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व आर यूजुअली एल शेप्ड कर्व कि ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस देयर इज रैपिड डिक्लाइन इन एवरेज कॉस्ट टू प्रोड्यूस आउटपुट टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल आउटपुट और जिस जगह पे ये रैपिड डिक्लाइन हो रहा है इन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इसको हम कहते हैं फर्म इज ऑपरेटिंग अंडर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल फार्मर इज मेकिंग प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट अंडर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल लेकिन ये जो अब यहां पे एक फ्लैट सा पार्ट है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का ये आपके पास रिपोर्ट कर रहा है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कि आफ्टर रीचिंग द मिनिमम एवरेज कॉस्ट फार्मर इज ऑपरेटिंग अंडर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बाय डबलिंग इनपुट आउटपुट भी क्या हो रहा है आउटपुट आल्सो बिकम्स डबल और एग्रीकल्चरल केसेस में क्या होता है एग्रीकल्चर आउटपुट के रेफरेंस में दिस इज दिस पोर्शन इज रिलेटिवली लार्ज पोर्शन और जब आप इसका राइजिंग पार्ट की बात करोगे कि इफ देर फर्दर एक्सपेंशन आउटपुट लॉन्गर एंड एवरेज कॉस्ट क्या हो ये क्यों होगा दैट इज बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हाँ ये जो मैं फ्लैटर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट की बात कर सक कर रहा हूं यह आप स्पेशली ऑब्जर्व कर सकते हो अंडर लाइव स्टॉक सेक्टर जी फॉर द फैटनिंग ऑफ एनिमल्स अगर आप उन्हें कोई फोडर वगैरह दे रहे हो जी कोई भी इनपुट्स को मल्टी विटामिन वगैरह दे रहे हो तो उस प्र जिस प्रोपोर्शन से आप उनको वो विटामिन दोगे कि अब अगर आप डबल क्वांटिटी ऑफ फोडर की करोगे इनपुट्स की करोगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो एनिमल उसी प्रोपोर्शन से फैटन भी हो जाए और अगर हम इस सारे को अब समराइज कर दें कि लॉन्ग रन प्लानिंग कर्व्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज इनफैक्ट जब हम बात करते हैं हम कहते हैं लॉन्गर एंड एवरेज कॉस्ट कर उस यू शेप्ड कर्व में वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू से समथिंग अबाउट ऑपरेशन ऑफ द फर्म ऑफ द फॉर्मर अंडर कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल लेकिन जब आप एक करव इस पैटर्न पर ड्रा करोगे जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे नजर आ रही है तो ये मुझे क्लियरली तीन डिफरेंट रिटर्न टू स्केल को रिपोर्ट करेगा डिक्लाइनिंग पोर्शन रिपोर्ट करेगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को फ्लैटर पोर्शन रिपोर्ट करेगा कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल को और राइजिंग पोर्शन रिपोर्ट कर रहा है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को